ले जी गड्डी काली, अच्छा गड्डी काली आ गई जी, चेक करें जी। जस्सी गिल, शिप्रा गोयल, चेक कर दे। गड्डी तेरी काली काली काले अकमा च रहिंदिया, तू इको गोरी 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 चेड़िए दे विच पैदिया, काले हथियार हुंदे कदे नाल यार हुंदे, ऑल ब्लैक लीड़िया च तैयार हुंदे, रखने तू हथियार छड़ घूमना तू बाहर छड़ काले कारोबार छड़, मैं नहीं कहती के तू यार छड़, निजनी लोड़ तेरी तेरी उन्नी असले दी पदिया। कॉफी उत्ते ले जा मुट्टे यार नू, मेरी दित्ती वॉच पुल्ले आना कर बननी, सांब सांब रख दिया मैं भी तेरे प्यार नू, ओ बेबी वन लाइफ है ताही ता जो ना खुल के ओ डाउन कम कर यार जान के जा पुल के, उस हाथ नाल मैं बदूक कदे फड़ी नी, जेड़ा हाथ तेज दी तू प्यार नाल चुम के, कप्तान कप्तान वे कप्तान वे गल क्यों ना तेरे खाने पैंदिया, मुंडा तेनू हस के बुलावे हसे तू ना ओ कदे उच्ची बोल दी ते कदे बस हूं हां, जान मेरी खट दा ना किसे जोगे छड दा ने, तेरा कप्तान के हा बोले जहे मुना, वे रोले तेरे लहूडा ते आप रहन म्यूट वे, कुड़ी ते थू मंग दी है प्यार दा सबूत वे, तेरी रूडनेस दा प्रूफ मर जाने, वो यानी कि एक ओवरऑल जैसे फीलिंग आती है ना, क्योंकि मैंने हमेशा आप कहा हुआ है कि बार बार मैं अक्सर फिल्मों में कह रहा हूँ, वीडियोस में ये मेंशन करता रहता हूँ कि म्यूज़िक और जो बीट और जो पूरा ओवरऑल एक जो आपको समा वाइब एक आप कह लो या जो भी आपको एक वो जो एक फीलिंग आती है ना, वो ज़्यादा मैटर करती है। ये नहीं मैटर करता कि किस तरह से था, क्या लिखा हुआ था, क्या किसने लिखा हुआ था, किसने गाया, यानी वो बाद में आते हैं। कप्तान ने लिखा हुआ था और वीडियो उन्होंने सारी शायद इंग्लैंड में बनाई थी, ये कि बहुत अच्छा नहीं कह सकती इस गाने को, बस ठीक है, जस्सी गिल के बहुत खूबसूरत गाने हमने सुने, बहुत बहुत अच्छे सुने, लेकिन ये इस तरह के दरअसल बहुत सारे गाने बन चुके हैं, ये ये थोड़ा लेट वो हो गए। तो वो एक रूटीन का ही लग रहा है। हाँ बिल्कुल ये ऐसा नहीं लग रहा कि हाँ ये हाँ पिछले से पिछले कुछ गानों में ऐसा नहीं लग हाँ रहा कि ये अब इस ट्रेंड की तरफ आ रहे हैं हाँ जहां पे इनको आने की जरूरत नहीं है। जैसे हम अक्सर उन आर्टिस्टों को खास तौर पे ये ताकीद करते हैं कि जो अपनी जगह उनका एक अपना मकाम है मकान और वो उन्हें जरूरत नहीं है ट्रेंड फॉलो करने की, उनको बल्कि वो उनकी खूबसूरती ही ये है कि वो उनकी आवाज़, उनकी पर्सनैलिटी, उनका वो सूट करते हैं किसी और। ये खूबसूरत है, चॉकलेट हीरो है, मतलब इस एक रोमांटिक और वो इनका वो सॉफ्ट एक गाने। हाँ इनका जो इमेज है वो है, हाँ तो इसमें इनको
असला और ये वो निकले करंट में ही रहना चाहिए इनको, हाँ वहां पे ही ये वो उसमें कैटेगरी, हाँ या फिर जो पुराने इनके थोड़े से गिटार सिखदा हाँ मुंडा, इन्हें गिटार सिखदा या वो इस गाना तरह की चीज, वो वाले वो जो है ना सॉफ्ट, हाँ, वो अभी तक मैं तो अच्छा अभी था, कल भी सुन बहुत रहा था अच्छा मेरे था, ख्याल में। वीडियो बहुत अच्छी थी, लिखा अच्छा हुआ था, गाया अच्छा हुआ था, परफॉर्मेंस अच्छी थी, सब कुछ अच्छा था, हाँ लेकिन उस लेवल का नहीं था लगा जो कि होना चाहिए था। या शायद इसलिए कि इस तरह के इस कदर गाने हम देख चुके हैं कि अब वो एक लाइन में खड़ा नजर आ रहा है, यानी उसका अपना एक मकाम, एक वो नहीं बन रहा है इनफरादियत अच्छे या से, बिल्कुल स्टैंड इंफ्रादियत आउट नहीं कर रहा है कहीं पे, ऐसे लग रहा है नहीं। जैसे हाँ एक और गाना आ गया, हाँ उसी तरह का एक और गाना आ एक और गया आ बस, गया इन्हें उसको कोई खास उसके अंदर बात नहीं थी। कड्डी काली अच्छी थी, हाँ जी, तो बारह। या फिर पता क्या सबसे अच्छी बात क्या थी जो मैंने बाद में नोट की, पहले सीन में मुझे मिस ही हो गई, वो बंदे की मूछें, अच्छा ओए हो, वो इतनी लंबी मूछें उसने, उसको उसको ऐसे करके गोल किया हुआ था ऐसे, वो थी सबसे अच्छी चीज उसमें, वो बंदा था नुमाया। लो दीपक, जी, हाँ जी मुनफरिद, ले जी हमें तो लग गया गाना, ठीक, आप भी देखें, आप भी फैसला करें, बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, रब चला।